थे, आ गए नंदगांव। जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जा रहे हैं हम नंदगांव, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये हम लोग नंदगांव की गलियों में पहुंच गए हैं। ये वही गलियां हैं जहां पर बलराम और कृष्ण जी खेलकर बड़े हुए हैं। कृष्ण जी मथुरा वासियों, वृंदावन वासियों और नंदगांव वासियों के बहुत ही चहेते थे, इसलिए उनकी कृपा हमेशा इन पर बनी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग सुखी हैं और सभी कृष्ण भक्ति में लीन हमेशा रहते हैं, उन प्रभु को ही हमेशा ध्यान में करते रहते हैं। ये हम सभी मंदिर के पास पहुंच गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्यारी कृष्ण जी की मुरलियाँ और लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हम सभी मंदिर के पास पहुंच गए हैं। मंदिर में जाने से पहले हम सभी ने अपने जूते चप्पलें यहाँ पर निकाल कर रख दिए। उसके बाद हम सभी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हम सभी मंदिर के पंडाल में पहुंच गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने श्रद्धालु कृष्ण जी के दर्शन करने आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के छत पर एक बहुत ही बड़ा घंटा लगा हुआ है। यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ पर पहुंचकर और नाचर गाना कर रहे हैं अपना। चलिए आपको एक बहुत ही बढ़िया जगह दिखाते हैं जहाँ पर राधा रानी जी 8 सखियों के नाम हैं। ये 8 सखियाँ उनकी हैं जिनके नाम हैं, इनके नाम आप रोक कर पढ़ सकते हैं। अभी भीड़ होने की वजह से बच्चे यहाँ पर अभी समय व्यतीत कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं कृष्ण जी की भक्ति में। नंदगांव की एक मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी राक्षस इस जगह नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ऋषि मनु ने राक्षसों को श्राप दिया था, जिस कारण नंदगांव में कोई भी राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण नंद बाबा कृष्ण जी को लेकर नंदगांव चले आए थे। नंदगांव स्वयं नंदेश्वर पहाड़ी पर बसा है, जो कि स्वयं महादेव जी की पहाड़ी है। कृष्ण जी का पूरा बचपन यहीं पर बीता। कृष्ण जी ने यहां पर 12 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत किया। ये नंदगांव के स्थानीय निवासियों के घर हैं। ये आप देख सकते हैं कि सामने एक पहाड़ी है। ये हम सब नंदगांव मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पर हम सभी ने नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके बड़े भाई बलदाऊ और कृष्ण जी और उनकी बहन जी के दर्शन किए। अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग मना थी, इस कारण हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाए। जाता है कि वहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है तो बाद में अपने आप डिलीट हो जाती है। यहाँ पर बंदरों का काफ़ी आतंक है, इसलिए जगह जगह रिजर्वायर लगी हुई है। देख सकते हैं कि ये काफ़ी सुंदर नगर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।